खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कोटा आबकारी विभाग की टीम ने रामगंज मंडी और कोटा शहर में कई जगह छापेमारी की, जहां से देसी मदिरा और आरएमएल शराब के 1483 पौवे, 252 बियर की बोतलें और केन बरामद की गई। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के झालरी गांव में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। लाडनू इलाके के जसवंतगढ़ गांव के पास दो ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए, वहीं दो लोग घायल हो गए। नागौर जिले के धुड़ीला और जसवंतगढ़ गांव में एक एक कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों संक्रमित 3 दिन पहले दिल्ली से आए थे। अब चिकित्सा विभाग दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाल रही है। लाडनू इलाके के बादेड़ गांव में 5 गौवंशों को पीट पीट कर ट्रॉली में ठूस दिया गया, जिससे एक गौवंश की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। लाडो खंड के ग्राम तवरा के वीर तेजा मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मंदिर से 7 चांदी के छत्र, 2 सोने के छत्र सहित 30,000 रुपए की नकदी पार कर ली। इतना ही नहीं, चोर पूजन के लिए रखा हुआ 5 किलो घी भी चोरी कर ले गए। नागौर जिले में रियामबड़ी के पास मंडावरा गांव में बिजली की लाइन से करंट लग गया और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। लाडनू पुलिस ने एक सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में चोर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस वीडियो के जरिए चोरों को पकड़ने के लिए आम जनता से मदद की अपील की। खिपसर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी ने खनन माफियाओं के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 5 जेबीसी, 3 कंप्रेशर मशीन, 1 डंपर, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। गोगुंदा पुलिस ने बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों के चालान काटे। इस दौरान 10 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया और मास्क लगाकर वाहन चलाने की हिदायत दी गई। अलवर जिले के मुंडावर थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टे और जिंदा कारतूस सहित हिस्ट्री शीटर योगेंद्र उर्फ घोड़ा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर सोडावास से मुंडावर सड़क मार्ग पर वारदात करने की फिराक में देशी कट्टा लेकर घूम रहा था। शिकारपुर थाना क्षेत्र के पास गांव 9FA माझीवाला में पुरानी पानी की डिग्गी में डूबने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं और जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के मुंडावर थाना पुलिस ने 96 अवैध देसी शराब के पौवे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी को एक निजी स्कूल के पास अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। मनोहर थाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मनरेगा श्रमिकों की नाराजगी लगातार जारी है। ग्राम पंचायत बनेट के मनरेगा श्रमिक उपखंड कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर सरपंच पति पर मनरेगा श्रमिकों से रुपए मांगने का आरोप लगाया। अलवर के किशनगढ़ बास तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से कोर्ट परिसर में दवा का छिड़काव करवाया गया। इस दौरान न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने कोर्ट कार्यालय के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों और बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में बिना मास्क के प्रवेश पर पाबंदी लगाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष रही परीक्षाएं शुरू हो गई। विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर मास्क लगाकर पहुंचे। इस दौरान बच्चों का तापमान जांचा गया और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की हिदायत दी गई। लाटो कस्बे के शहरियाबास मोहल्ले के बाबू खां हाथीखानी ने अनूठी पहल की है। उन्होंने अपनी सभी दुकानों का 1 महीने का किराया माफ कर दिया, जिसके बाद उनके हर तरफ तारीफ हो रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मीन भगवान मंदिर मीना सीमला पर जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर चीन की नापाक हरकत की निंदा की गई। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ की जय माता दी एनर्जी सिस्टम कंपनी और भामाशाह ने कोरोना से बचाव के लिए सरकारी कार्यालयों में हैंड वॉश मशीन लगाई है। इस अवसर पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीताराम कुमावत ने भामाशाह परिवार को सम्मान पत्र भेंट किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी में बोर्ड की शेष परीक्षाएं शुरू हो गई। विद्यार्थियों को 1 घंटे पहले बुलाकर हाथ धुलाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग से छात्रों को बैठाया गया। झुंझुनू में भी बोर्ड की शेष परीक्षाएं शुरू हुई, लेकिन परीक्षा के दौरान हमला कर दिया ततैयों ने एक बच्चे पर हमला किया, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाकर उपचार कराया गया। पाली जिले के घाड़ेराव कस्बे गेहूं वितरण में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। प्रवासियों ने ग्राम पंचायत पहुंचकर विरोध जताया और कम गेहूं देने के गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की।
सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट काम कर रही है। सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, चिकित्सक रोगियों का इलाज कर रहे हैं और रोगियों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। सीकर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिन इलाकों में संक्रमित मिल रहे हैं वहां सर्वे और सैंपलिंग का काम जोरों से जारी है। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत तीसरे दिन भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि कार्यक्रम के तहत 21 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। पाली जिले की ग्राम पंचायत जीवन कला में प्याज से भरी पिकअप गड्ढे में गिर गई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां पानी की पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसे भरा नहीं गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। नागौर जिला प्रशासन ने अवैध बजरी और अवैध लाइमस्टोन पर सख्त एक्शन लिया है। इसके तहत खिमसर इलाके की मॉनिटरिंग के लिए खनिज विभाग की चौकियां स्थापित होंगी, जिसके जरिए बजरी खनन की निगरानी की जाएगी। सीकर में 12वीं की परीक्षा 325 केंद्रों पर आयोजित हुई। यहां 1,06,435 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 23 नए सब सेंटर भी बनाए गए। डूंगरपुर में भी बोर्ड की शेष परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना पड़ा। सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजर से सभी के हाथ धुलवाए गए। दौसा में कक्षा 12वीं की गणित की परीक्षा आयोजित हुई। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, छात्रों को मास्क पहनाया गया, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा केंद्रों पर बैठाया गया। नागौर में भी 12वीं की परीक्षा आयोजित हुई। छात्रों को निर्धारित समय से एक घंटे पहले बुलाया गया। सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइजर से धुलवाए गए, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, फिर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। नागौर के लाडनू इलाके के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। देश के 20 जवानों की शहादत के बाद मेड़ता सिटी के लोगों में रोष है। शहर के युवाओं ने चीन के खिलाफ रोष प्रकट किया। युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू जिले के सुल्ताना में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान व्यापार मंडल ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। व्यापारियों ने चीनी उत्पादों की होली जलाकर अपना रोष जताया। लाडू में द लाइफ चेंज मिशन और करियर मंच संस्थान के तत्वावधान में सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। इसे लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में समग्र सेवा संस्थान की ओर से होम्योपैथी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा पिलाई गई। उपखंड कार्यालय चुनाव शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय और कैनरा बैंक में दवाई पिलाई गई। लाडू में बस स्टैंड स्थित कबूतर खाने से 60 कबूतर चोरी होने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि अज्ञात व्यक्ति कबूतर खाने की दीवार फांद कर गया और 60 कबूतर चुरा लिया। लाडू के निम्बी जोधा जाने वाले मार्ग पर पानी की लाइन में लीकेज होने के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, लेकिन स्थानीय जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जनता पानी के लिए तरस रही है। भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर लाडनू के बस स्टैंड पर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने चीन की कायराना हरकत की निंदा की। श्रीगंगानगर में शहादत को नमन किया गया। तपोवन ट्रस्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मौजूद गणमान्य लोगों ने चीन की कायराना हरकत की निंदा की, साथ ही चीनी सामान के बहिष्कार की बात कही। नागौर के मेड़ता सिटी में श्री घांची युवा सेवा संस्थान की ओर से 21 जून को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। रामधन देवल के महंत राम किशोर जी महाराज ने रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। भरतपुर के डीग में रैली के जरिए कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। वही रैली में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर क्षेत्र में एक बार फिर टिड्डी दल ने प्रवेश किया है। दिगोल से सुल्तानपुर तक के खेतों में टिड्डी दल बैठा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं कृषि विभाग ने कोटा से 3 दमकल की गाड़ियां मंगवाई। बारा की शाहबाद में युवाओं ने चीनी झंडा और चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। युवाओं ने कहा कि चीन से आया कोरोना वायरस दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुका है। वहीं चीन एलएसी पर कायराना हरकत कर रहा है। भारत जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद पर सीबीईओ हेमराज सिंह के आदेशानुसार संपूर्ण ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतों के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की करीब 60,000 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के गतसिंहपुर कस्बे के पोस्ट ऑफिस के आसपास गंदगी का आलम है, जिससे वहां आने जाने वालों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते।
भीनमाल के बालसमंद बांध के विकास और सौंदर्यीकरण के काम का भूमि पूजन उपखंड अधिकारी ने किया। दरअसल शहर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों ने बैठक की थी, जिसमें बालसमंद को विकसित करने का निर्णय लिया गया था। गाजोल ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यस्थल पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। मनरेगा मजदूरों ने बताया कि कार्यस्थल पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत की ओर से मास्क और सैनिटाइजर भी नहीं दिए गए। सवाईमाधोपुर के बौली में पेयजल आपूर्ति में अनियमितता बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पेयजल समस्या को लेकर राजसमंद कलेक्टर ने ब्लॉक लेवल पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पेयजल की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। अलवर जिले के मुंडावर ब्लॉक के राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत यादव ने बताया कि विभाग द्वारा कर्मचारियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे में स्थित तहसील कार्यालय में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के विकास के लिए जिलाध्यक्ष विजय मालावत के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। प्राचार्य डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित होने के कारण कॉलेज आयुक्तालय के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में अस्थायी प्रवेश दिया जा रहा है। अलवर जिले के ततारपुर गांव में भाजपा जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें वर्चुअल रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डीडवाड़ा के ग्राम कोलिया निवासी जवान दिनेश सैनी को पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जानकारी के अनुसार लखनऊ में प्रशिक्षण के दौरान दिनेश की अचानक तबियत बिगड़ गई थी और आर्मी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर के पवित्र सरोवर के मुख्य ब्रह्म घाट पर श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। धौलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, वहीं चिकित्सा विभाग भी काफी सक्रिय है। उदयपुर नगर निगम में राजस्व बढ़ाने को लेकर राजस्व समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में निगम क्षेत्र में खाली पड़े भूखंडों की नीलामी पर चर्चा की गई। भूखंडों की नीलामी ऑनलाइन ही करवाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभी ने समर्थन किया। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में 2 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 1 महिला की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, वहीं दूसरा सैंपल नेगेटिव आया। भरतपुर के बैर में पुलिसकर्मियों के लिए बने क्वार्टर्स इन दिनों जर्जर हालत में हैं। सीआई हरलाल मीना के सरकारी क्वार्टर की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, हालांकि सीआई बाल बाल बच गए। करौली के गुलाबबाग सर्किल पर सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हिंदू सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करौली में निजी बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन बस संचालकों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने में खर्च निकालना ही मुश्किल हो रहा है। बूंदी जिले के हिंडौली की पंचायत समिति में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 मिनट का मौन भी रखा। हनुमानगढ़ के नेटराना ग्राम पंचायत की कनिष्ठ सहायक रेखा देवी से अभद्र व्यवहार के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। लायंस एवं लेओ क्लब कुचावन फोर्ट की टीम ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बस स्टैंड पर बालकृष्ण सारडा की मूर्ति के सामने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही चाइनीज सामान के बहिष्कार के नारे लगाए गए। कटावला मठ के मठाधीश महंत घनश्याम बाबजी विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षण बने हैं। उनका पहली बार खिरवाड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भादरा के वार्ड 10 क्याम खानी बास में दिल्ली से आया युवा कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और इलाके को सैनिटाइज कराया गया। चुरू के सचिया माता मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग मास्क पहनकर शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। ब्यावर में गोपाल जी का मोहल्ला निवासी पोस्टमैन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद डाक विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि पोस्टमैन रोज करीब 50 से 80 लोगों से मिलता था, अगर कोरोना फैला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पुष्कर में बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गलत तरीके से बिल आ रहे हैं, बिलों में राशि को बढ़ाकर दर्शाया गया है। भरतपुर शहर के कई इलाकों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्फ्यू की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहीं दूध पानी सब्जी के लिए भी जूझना पड़ रहा है।
पोखरण शहर के रावड़ा राजपूत समाज की निजी संपत्ति को लेकर समाज के दो गुटों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। इनमें से एक गुट ने पुलिस थाना और उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे पर चीन का जबरदस्त विरोध किया गया। भाजपा नेता भवानी जोशी के साथ ही कई लोगों ने चीनी सामान और चीनी झंडे को जलाया और जमकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली से ट्रेन से दौसा में पहुंचा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला तो बसवा में भी एक पॉजिटिव मिला। सूचना के बाद दोनों पॉजिटिव को क्वारंटीन किया गया। बांसवाड़ा शहर में निजी बसों का संचालन शुरू हो गया। लोहारिया क्षेत्र के लिए मिनी बस रवाना की गई तो वहीं जयपुर के लिए भी एक निजी बस रवाना की गई। और ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं फटाफट खबरों का। बांसवाड़ा शहर की नई आबादी स्थित गणेश मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहां सैकड़ों दीपक जलाए गए। इसके बाद सभी लोगों की ओर से दो मिनट का मौन रखा गया। सज्जनगढ़ कस्बे में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार में झगड़ा हो गया जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के दो लोगों की जान लेने की कोशिश की। फिलहाल दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौर के करड़ा थाना क्षेत्र के खारा गांव में विधवा महिला की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में ग्रामीणों ने धरना दिया जिसके बाद जिला कलेक्टर एसपी ने मृतका के परिजनों से वार्ता की। ग्रामीणों की मांग पर करड़ा थानाधिकारी लालाराम को हटाया गया और एफआईआर दर्ज की गई। भीलवाड़ा जिले के बिलिया कला गांव में टिड्डी दल ने फिर से दस्तक दी जिसके कारण किसानों के चेहरे मुरझा गए और वे अपनी फसल को बचाने के लिए ढोल थाली बजा और आग लगाकर उन्हें भगाने का प्रयास करते रहे। सरदार शहर में मेगा हाईवे पर बुकनसर फाटा के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दो लोग घायल हो गए। लोगों ने दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर एक गंभीर घायल को हाई सेंटर रेफर कर दिया। डावर में मांडावास निवासी अमजद कठात ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एटीएम कक्ष में लावारिस पड़ी मिली 10,000 की नकदी को थाने में जमा करवाया। युवक की इस ईमानदारी पर सिटी पुलिस ने उसको धन्यवाद दिया। किलवाड़ा में बांध क्षेत्र के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीरवाना एएसपी पद पर संजय गुप्ता ने अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान गुप्ता ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। दौसा में कलेक्ट्रेट के पास ट्रैक्टर ने दो युवकों को टक्कर मार दिया। हादसे में महुआ के सीत गांव निवासी युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को मामूली चोट आई है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। जैसलमेर जिले के सावता गांव स्थित देघराय माता मंदिर के करीब 600 वर्ष पुराने ओरण का अस्तित्व संकट में है। यहां पेड़ों की कटाई और खेती पर रोक होने के बावजूद गत दिनों से सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए भरतपुर बिट्स की ओर से जागरूक रैली का आयोजन किया गया। एटीएम सिटी राजेश गोयल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर बिट्स द्वारा लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। कोटा जिला परिषद सीईओ टीकम चंद बोहरा ने मंडाना अलनिया इलाकों में मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों के साथ टास्क लेकर काम पूरा किया। दौसा जिले के लोटवाड़ा गांव में एक विवाहिता ने घर में फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। उदयपुर के सेठ जी के कुंठाल गांव में ग्रामीण तय समय पर राशन सामग्री वितरण नहीं होने से आक्रोशित हो गए। हंगामा करते हुए जिम्मेदारों को इसकी जानकारी दी गई। झुंझुनू जिले के गांव सूरा का बास में दो साल पूर्व शादी कर ससुराल आई बहू को दहेज कम लाने के लिए प्रताड़ित कर मार देने का मामला दर्ज करवाया गया। मृतका के पिता ने तीन आरोपियों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के मानासी ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने करीब 60 यूनिट रक्तदान किया। सरदार शहर के तोलासर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू जिले में दो ट्रैक्टर चालकों से हुई लूट के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात के समय काम में ली गई बाइक और पिस्टल नुमा हथियार भी बरामद किया है। खाद्यान्न की मांग को लेकर महुआ एसडीएम कार्यालय में अपनी फरियाद सुनाकर लौट रहे लोगों से भरा जुगाड़ अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 16 लोग घायल हुए जिनमें 15 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को महुआ सीएचसी में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर से 10 बाइक भी बरामद की। शौक मौज के लिए ये युवक जिले और आसपास के क्षेत्र में वारदातों को अंजाम देता था। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में भी चीन द्वारा गलवान घाटी में की गई हरकत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला।
कोटा में भी चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। स्टेशन चौराहे पर भाजपा नगर अध्यक्ष कमलेश गोयन की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पिडावा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने क्षेत्र के कराड़िया गांव के पास से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, जिसकी सूचना खनन विभाग को दी गई। मकराना उपखंड के ग्राम मनाना में स्थित जाझेरो की ढाणी में मकान के पास बने छप्पर में आग लग गई। आग की चपेट में बाड़े में बंधी दो गाय आ गई और छप्पर जलकर खाक हो गया। हालांकि लोगों ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया। दौसा जिले के मड़ियाड़ा गांव में नरेगा के तहत काम कर रही महिलाओं के समूह ने मेट की जगह मेटपति द्वारा काम करने और महिला मजदूरों से अभद्रता करने का आरोप लगाया और सिकरा एसडीएम और विकास अधिकारी को लिखित शिकायत की है।